नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं राहुल कौशिक आरके पे सभी का। दोस्तों, विप्रो कैपको डील, क्या ये डील गलत स्टेप है? फुल एनालिसिस आज के वीडियो में, तो मेरे साथ बने रहिएगा। मैं एक कंपनी में कुछ सालों पहले नौकरी करता था, वहां पे अच्छा बोनस मिलता था, कंपनी ग्रो भी कर रही थी। उस सेक्टर में ग्रो करने के लिए जितना पैक होना चाहिए वही पैक के साथ कंपनी चल रही थी। एम्प्लॉयज भी खुश थे क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस ठीक ठाक था, पैसा टाइम पे आता था और कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो बोनस भी अच्छा खासा मिलता था। लेकिन जैसे कोई भी फेरी टेल लंबे टाइम तक नहीं चलती, वैसे यहाँ भी कुछ हाईली एजुकेटेड मैनेजर का अटैक हुआ। एक नया कॉन्सेप्ट सुना दिया गया कि कंपनी प्रॉफिट करे या लॉस, बोनस नहीं मिलेगा, सैलरी तो मिल ही रही है। सब लोगों ने सोचा कि चलो पैसा आ रहा है, बोनस ना आए, लालच बुरी बला है। फिर कंपनी के बॉस ने कहा कि ग्रो रेट कम है 5%, इस ग्रो रेट को 15% ग्रोथ होना चाहिए। इसलिए मैनेजर ने कहा कि नए इनोवेशन लाने होंगे, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट वाला अमाउंट पूरा डाला गया नए इन्वेस्टमेंट में। और उसके बाद मीटिंग में बोला गया कि कंपनी आगे बढ़ेगी तो फैमिली की तरह सबका ख्याल रखेगी, और इसलिए अप्रेजल यानी एनुअल प्रमोशन कैंसिल कर दिए गए। मतलब सालों साल आप एक ही सैलरी पे काम करोगे चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, दुनिया की मेजर कंपनी ने कुछ ऐसे ही स्ट्रेटजीज एम्प्लॉय किया है 2015 के बाद, जिसका मेन रीजन दिखाया जाता है ग्रोथ, डबल डिजिट ग्रोथ एंड प्रॉफिट। लेकिन अगर एक समझदार, एक समुंदर में 100 मछलियां हैं तो फिर सबके एक साथ कहां गए, तो आने वाले सीजन में कुछ खाने को रहेगा नहीं। लेकिन क्योंकि दुनिया एक बड़े बड़े ग्रेड स्कूल से पढ़े लिखे मैनेजर को जिंदगी में कोई प्रैक्टिकल काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए उनको लगता है कि भगवान हर साल 100 मछलियां ऊपर से ऐसे ही भेज देता है और उनको नहीं खाया तो फिर कमी हम में ही है। अब इसके साथ विप्रो कैपको डील का क्या रिश्ता है, वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी पूरा बात को समझ में आ पाएगा। राहुल कौशिक आरके को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों विप्रो में बड़ा चेंज, विप्रो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। ये कंपनी क्या करती है, दुनिया भर के बाद एक छोटे कंपनीज में अलग अलग तरीके का सॉफ्टवेयर यूज होता है, कहीं एचआर रिलेटेड, कहीं बैंकिंग रिलेटेड, कहीं ट्रैवल रिलेटेड, कहीं लोन रिलेटेड। इन कंपनीज को ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बना के देते हैं। इंडियन आईटी जायंट्स जैसे टीसीएस, विप्रो, अब टीसीएस का मॉडल बड़ा है, इंफोसिस का भी, उनको डबल डिजिट में ग्रोथ मिलता है। ये देख के विप्रो ने भी टारगेट बनाया है फाइनेंशियल 2020 तक 15 बिलियन वाली कंपनी बनने का। पिछले 3 से 4 साल में 2 से 3% ग्रोथ हुआ है। ध्यान रखिए, ग्रोथ हुआ है, लॉस नहीं। अब इस प्लान को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चर चाहिए था। ऐसे टाइम में सबसे पहले सैक्रिफाइस किया जाता है सीईओ को, जो थे एबिडोल नीमचवाला, उनकी जगह पे आए हैं थियरी डेपेलोरोइट जो फ्रांस से हैं। जाहिर है वो भी कोरोना की वजह से वर्क फ्रॉम होम ही रहेंगे। अब ये डेवलपर कौन है, ये कैपजेमिनी के सीईओ रह चुके हैं लंबे समय तक, यानी इनको इंडियन मार्केट का अंदाजा है, इसलिए इनको हायर किया गया है। और आते ही इन्होंने पहले स्टेप में यूके बेस्ड कैपकॉन को एक्वायर करने का फैसला लिया है। कैपकॉन भी एक कंसल्टेंसी फर्म है, BFSI और एनर्जी सेक्टर में काम करता है, यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल, पावर कंपनीज, ऑयल कंपनीज, इनके लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं। विप्रो ने इनके पीछे $1.4 बिलियन यानी लगभग 11,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया है, वो भी तब जबकि कोरोना पैंडेमिक पूरा ओवर नहीं हुआ है, यानी रेट आते ही पूरा उलट फेर। और कंपनी का ग्रो करने के लिए नया इन्वेस्टमेंट, और इस वजह से कंपनी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। जॉब्स जा रहे हैं, नए लोगों को जॉब मिल रहे हैं, लेकिन सैलरी सिस्टम में चेंज किया जा रहा है, इंसेंटिव बेस्ड पेमेंट पे फोकस किया जा रहा है। समझते हैं कि इंसेंटिव बेस्ड पेमेंट क्या है। जैसे कोई क्रेडिट कार्ड बेचने वाला अगर मशीन में 10 नए कार्ड बेच पाता है तो उसको उसका कमीशन मिलता है, अगर नहीं बेच पाता तो उसको कुछ दिनों का नोटिस, नौकरी गायब, सैलरी भी कम ही होता है, यानी हर दिन तलवार की नोक पे जीना, जिसे कहते हैं लिविंग ऑन द एज। अब जब आपको पता है कि इन टेलीकॉलर्स को कितना एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो आगे से इनके साथ थोड़ा अच्छे से बात कीजिएगा, क्या पता 2-4 अच्छी बात करके इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। लेकिन कॉरपोरेट वर्ल्ड में मुस्कान की कोई जगह नहीं है, वहाँ सिर्फ बैलेंस शीट का खेल है। अब विप्रो के इस इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयज कितने खुश हैं या दुखी हैं ये नहीं पता, लेकिन मार्केट को सही नहीं लगा। क्यों, कैपको ने पिछले 2 साल में लॉस का सामना किया है, नेट रेवेन्यू गिरा है,
CT20 में 6% का ग्रो हुआ था, लेकिन उसके हिसाब से वैल्यूएशन काफी ज्यादा दिया गया है विप्रो को। क्या ये सारी बातें नहीं पता? एनालिस्ट कहते हैं कि विप्रो के लिए मेन चैलेंज होगा इंटीग्रेशन। विप्रो ने का कहना है कि उनके कैपको के 30 बड़े बड़े BFSI सेक्टर के क्लाइंट मिले हैं, फिर भी उन्होंने फाइनेंशियल 2020 में इबिट में 2% का डिक्लाइन प्लान कर रखा है। यानी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। EPS यानी अर्निंग पर शेयर भी 6 से 7% नीचे जाने के चांसेस है, यानी इन्वेस्टर परेशान। और फ्राइडे का ट्रेड पे विप्रो 4% डाउन था। क्या क्यों किया गया ये डील, क्या है इसके पीछे रीजन? अब तक आप समझ गए होंगे कि कॉर्पोरेट ग्रो एक ऐसा ट्रेन है जिसके सामने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है एम्प्लॉयज या एनवायरमेंट। तो विप्रो ने कौन से ग्रोथ को दिमाग में रख के ऐसा डील किया है? BFSI सेक्टर यानी बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर के क्लाइंट की वजह से TCS या इंफोसिस को इतना ज्यादा ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि दुनिया में कुछ भी हो, बड़े बड़े बैंक्स का धंधा कभी बंद नहीं होगा और उनके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इनोवेशन के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि UPI पेमेंट से लेके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर प्रोटोकॉल फिजिंग अटैक को रोकना, ये सारे कंसल्टेंट मॉनिटरिंग डिमांड करते हैं, यानी इंटेंसिव वर्क। और इन इंटेंसिव वर्क पे ज्यादा पैसा भी चार्ज किया जाता है, इसलिए थियरी डेलापोए ने शायद ये गैम्बलिंग खेला है, क्योंकि अगर बड़ा ग्रोथ चाहिए तो बड़ी कंपनी और रेगुलेट पेमेंट चाहिए। लेकिन क्या ये जल्दबाजी कर गए? एनर्जी सेक्टर में कोई बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन इनोवेशन के चांसेस कम है और जितनी भी डिजिटल इनोवेशन हो रहा है वो फाइनेंस के आसपास ही हो रहा है, इसलिए शायद ये लॉन्ग टर्म में एक अच्छा डील साबित होगा और लंबे टाइम के इन्वेस्टर के लिए विप्रो एक नया एंट्री पॉइंट प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए शायद हाथ लगाना सही नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आप शॉर्ट टाइम में विप्रो को लेना चाहते हैं तो अभी इससे दूर रहिए, लंबे समय के लिए ये शेयर काफी अच्छा साबित हो सकता है। दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाया है आप सभी के लिए इस डील को लेकर के। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिए दोस्तों, और राहुल कौशिक आरके को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि नए नए वीडियोस आपके पास में पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।